ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 12 अक्टूबर की श्रीवतान की रिकॉर्डिंग, जहाँ परमपिता परमात्मा कहना चाहते हैं हमें कि हम हर समय एक एकर स्थिति का अनुभव करें। ये एकर स्थिति है मन से, बुद्धि से, और ये एकर स्थिति तभी हो सकती है जब हमारे अंदर आध्यात्म हो, पवित्रता हो। अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, इम्प्योर सोच रहे हैं, तो आपकी एकर स्थिति हो नहीं सकती। आप बार बार पवित्रता से दूर जाएंगे और फिर आपका मन कहीं ना कहीं हलचल होगा, और वो हलचल का मतलब है कि आप दूर हो चुके हैं अपने आप से, अपने सत्य से आप दूर हो चुके हैं। अगर आप किसी के बारे में अपवित्र सोचते हैं, किसी के बारे में गलत ओपिनियन रखते हैं, तो वो व्यक्ति आपको हमेशा याद आएगा। दैट मीन्स आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ रहा है, उस व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ रहा है। और जब तक आप अपवित्र सोचेंगे, तब तक मन और बुद्धि कि आप राजा नहीं। तो आज परमात्मा इन्हीं लाइंस पे हमें कुछ समझा रहे हैं। देखें क्या परमात्मा पिता कहते हैं, एकर स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले। एकर स्थिति, कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति, कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तब है वो एकर स्थिति। बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भवा। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, है ना, वो आसन पे बैठते हैं, और ज्यादातर देखा जाए तो आसन थोड़ा सा ऊंचा होता है उनका, कि वो हाईएस्ट स्टेज पे बैठते हैं। तो जो साधु जी होते हैं, संत होते हैं, वो किसी आसन में बैठते हैं, उस पर बैठ करके वो तपस्या करते हैं। अब ये ऊंची स्थिति या ऊंचा आसन दोनों एक ही चीज है। हाँ, ऊपर बैठने से, चेयर के ऊपर डबल बैठने से आप ऊंचे नहीं बन जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपका मन बुद्धि ऊंची स्थिति में, तो फिर आप नीचे भी धरती पर बैठे तो आपकी स्थिति ऊंची है, आपको कोई चीज हिला नहीं सकती। ये उसकी बात हो रही है। परमात्मा कहते हैं, वे कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एकर स्थिति, फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता क्या होता है? जिसका इस दुनिया की बातों, फर्श की बातों से कोई रिश्ता नहीं। वो आएगा थोड़ी देर, इस दुनिया की बातें में आएगा, उसके अंदर फिर से उपराम हो जाएगा। वो बहुत डिटेल्स में जाएगा, निचोड़ निकालेगा, हाँ ये करना है, ऐसे करना है, फिर ऊपर हो जाएगा, उपराम हो जाएगा। उसको यह प्रैक्टिस होगी, और इसको ये प्रैक्टिस नहीं है, वो आत्माएं उसके अंदर घुसी रहेंगी, उतनी बातों में चलती रहेंगी, क्या क्यों कैसे करें, वैसे करें, ऐसे करता है वैसे करता है, तो वो सिंपल रहेंगे, एक एक स्टेप एक एक बार लेंगे, हल्के रहेंगे। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर, फिजिकल आसन, मैं चेयर पर बैठा हूँ, वो भी स्थूल आसन हो गया, आप चौकड़ी मार के बैठे हुए, वो भी आसन हो गया। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाओ, बिठा दो, और जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। ये कोई फिजिकल आसन की बात नहीं हो रही, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये बात हो रही है कि मन बुद्धि को एकाग्र करना। फटाफट कोई बात हुई, कोई चीज आई, मन के अंदर आपके ईर्ष्या या घृणा या नफरत आया, उस समय उसी समय उस चीज को नीचे का समझ करके ऊंची स्थिति में चले जाना, कि मैं इन चीजों से पार हूं, मैं इन बातों से, छोटी छोटी बातों से मैं बड़ा हूं, विजडम है मेरे अंदर। तो वो होता है बड़प्पन। परमात्मा उस बड़प्पन या उस ऊंची स्थिति की बात कर रहे हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। भविष्य में, मतलब कि हम अपने साथ में संस्कार लेके जाते हैं, आदतें लेके जाते हैं, शरीर का यहीं छूट जाएगा, धन दौलत छूट जाएगी, लेकिन जाएंगे आपके साथ में आपके मन और बुद्धि और संस्कार, और ये संस्कार ही डिसाइड करेंगे कि आप अगले जन्म में आप क्या बनेंगे, राजा बनेंगे कि रंक बनेंगे। इसकी प्रैक्टिस अभी हो रही है ब्रह्म कुमारी, इसमें हम हर दिन अगले जीवन के लिए तैयारी कर रहे हैं आज से ही। और हाँ, जब वो तैयारी करते हैं तो आज का दिन भी अच्छा हो जाता है, आज का इस समय का जीवन भी अच्छा होता है, और आगे तो होता ही अच्छा है। तैयारी कैसे की जाती है, ये तपस्या क्या है, इसके बारे में आप आके सीखिए ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। इसी के साथ ओम शांति।